हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक पत्र के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पत्र संबंधित है पारा शिक्षकों के मानदेय से। जी हाँ, उनके मानदेय से ये पत्र संबंधित है। आप देख पा रहे हैं कि ये पत्र जो है शैलेश कुमार चौरसिया, राज्य परियोजना निदेशक, ठीक है, उनके द्वारा ये लेटर है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, इनको, ठीक है, झारखंड के सभी जिलों के लिए, ये झारखंड के सभी जिलों के लिए है, ठीक है। अब विषय देख लेते हैं कि विषय क्या है। विषय है पारा शिक्षकों के मानदेय माह फरवरी के भुगतान हेतु आंकड़े PFMS पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। यानी फरवरी माह का जो भुगतान होगा उनका, उसको PFMS पोर्टल पे अपलोड करने के संबंध में कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके और अंदर में कौन सी बातें बताई गई हैं। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण माह फरवरी 2021 में लॉकडाउन रहा है। इसके कारण ई विद्यावाहिनी में उक्त कर्मियों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं किया गया है। साथ ही देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ जो है, साथ ही पारा शिक्षकों का माह फरवरी 2021 का मानदेय भुगतान ससमय किया जाना है। महत्वपूर्ण बात जो यहाँ बताई गई है कि पारा शिक्षकों का माह फरवरी 2021 का मानदेय जो है ससमय किया जाना है, निश्चित समय पे किया जाना है, ताकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन कर्मियों को मानदेय भुगतान नहीं होने का मामला नहीं रहे। यानी कि इनके मानदेय भुगतान नहीं होने का मामला नहीं उठे, इसलिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके जो है मानदेय वो PFMS पोर्टल पे अपलोड किया जाए और उनको मानदेय है ससमय उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। आगे क्या होता है, उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि पारा शिक्षकों का माह फरवरी 2021 के भुगतान के लिए नियमानुसार सत्यापनोपरांत क्रियाशील पारा शिक्षकों के सही आंकड़े PFMS पोर्टल पर दिनांक 8/3/2021 तक निश्चित रूप से अपलोड कर दिया जाए, ठीक है, इसका मानदेय भुगतान अविलंब किया जा सके। ये निर्देश, सख्त निर्देश है पदाधिकारियों को कि 8 तारीख यानी 8 मार्च तक सभी पारा शिक्षकों का डाटा जो है, आंकड़ा जो है, वो PFMS पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाए 8 मार्च तक, ठीक है। क्योंकि इनका यानी पारा शिक्षकों का भुगतान जो है अविलंब किया जा सके, ठीक है। साथ ही भुगतान अपलोड की सूचना अधोहस्ताक्षरी को पत्र के माध्यम से सूचित करना होगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेटर है, ये शैलेश कुमार चौरसिया सर का है, जो कि राज्य परियोजना निदेशक हैं। 3/3/2021 तीन तारीख यानी 3 मार्च को ये लेटर इशू हुआ है। 3 तारीख को ये लेटर जो है इशू हुआ है। तो इस लेटर के मुख्य बात जो है वो पारा शिक्षकों के वेतन से संबंधित है, उनके मानदेय से संबंधित है कि उनका मानदेय ससमय उन तक पहुँचे। काफ़ी सारी दिक्कतें COVID-19 के वजह से हैं, तो उनका मानदेय उनको सही समय पे पहुँचे, इसलिए उनका डाटा, उनका आंकड़ा, उनसे संबंधित आंकड़ा जो है PFMS पोर्टल पे अपलोड किया जाए 8 मार्च तक। सभी को निर्देश दिया जाता है कि 8 मार्च तक जो है सो PFMS पोर्टल पे उनका डाटा, उनका आंकड़ा अपलोड किया जाए, ताकि उनका वेतन सही समय पर उन तक पहुंच जाए। तो एक बहुत बड़ी खबर पारा शिक्षकों के लिए, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, उनका वेतन सही समय तक उन तक पहुँच जाए। सो सभी पारा शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई कि ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।